मैं आपको ले चल रहा हूँ डुंडला गांव में, जहाँ पर हकीकत है क्या, क्या वाकई में हिंदू मुसलमान आज लड़ने पर उतारू हैं। लेकिन जब हमारे चैनल रॉयल खंड समाचार ने इस पर सच्चाई जानने की कोशिश की तो कुछ मुसलमान समुदाय के लोग सामने आए और उन्होंने बताया कि जो आरोप लग रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे समुदाय के ऊपर, वे बिल्कुल निराधार हैं। अगर हमने यहाँ बचपन पाला है, हम यहाँ के बच्चों के साथ खेले हैं और हम बड़े हुए हैं, तो आखिरकार कैसे हम उन पर उनके साथ अत्याचार कर सकते हैं और उनसे हम कैसे कह सकते हैं कि आप अपना मकान बेचो और यहाँ से चले जाओ। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कहीं, लेकिन उन उस पक्ष का कहना ये भी है कि यहाँ पर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, दो समुदाय को लड़ाने की बात की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस तरह का कोई भी यहाँ से पलायन नहीं कर रहा है, ना ही कोई मकान बेच रहा है, यहाँ अपनी अपनी जगह दोनों समुदाय के लोग रह रहे हैं। थाना टांडा, कस्बा टांडा के मोहल्ला चंदोला में इम्तियाज और रामचंद्र, ये दोनों पड़ोसी हैं, आसपास रहते हैं। 28/5/2021 को इम्तियाज के बच्चे कैरम खेल रहे थे और शोर मचा रहे थे। इस पर रामचंद्र के परिवार ने ऑब्जेक्शन किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौच और मारपीट हो गई। रामचंद्र की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और विपक्षी को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है और पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है। रामपुर पुलिस पलायन जैसी किसी बात का खंडन करते। रामपुर पुलिस प्रशासन की अगर हम ये कहें कि सतर्कता जो थी उसने एक बड़े हादसे को बचा लिया, जो राजनीतिक माहौल बना था यहाँ, कुछ लोगों के बहकावे में आकर के ये मकान बिकाऊ है लिख दिया। इस तरह से करीब 20 से 25 मकान हैं जहाँ पर यह साफ तौर पर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। लेकिन यहाँ का टांडा का जो प्रशासन है और जिला प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन और जो वैसा प्रशासन है, वो बड़ी खूबी से अपनी पैनी नज़र बनाया हुआ है। वो हर बार पैनी नज़रों पर यहाँ नज़र रखा हुआ है कि गतिविधियाँ कैसे चल रही हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ SDM और CO आए थे, जिन्होंने यहाँ के हिंदू समुदाय को लोगों को समझाया था कि आप मकान बेचकर ना जाएं, आपके साथ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से खड़ा है। और अभी भी यहाँ पर इस मोहल्ले में पुलिस की चौकसी है, पुलिस के लोग तैनात हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। मेरे साथ हैं टांडा क्षेत्र के डंडोला गांव में हम लोग हैं, जहाँ लिखा है कि मकान बिकाऊ है। ये मकान 5/315 है। ये महिला है कि आप मकान क्यों बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं मकान? यहाँ से मकान बेच रहे हैं आप? कितना मकान बिक रहे हो? यहाँ के ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, विशेष समुदाय अत्याचार कर रहा है। बहन बेटे को घर से निकलना तक का दूर कर दिया है, इसलिए वे फिलहाल बाहर निकलना नहीं चाहते और ये मकान पूरे के पूरे बेच करके कहीं और जाना चाहते हैं। मैं भी खड़ा हूँ टांडा के टंडोला में। ये टंडोला मोहल्ला है जहाँ एक विशेष समुदाय पर आरोप है कि यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों को मार पीट कर भगा रहे हैं। उसी विशेष समुदाय की एक महिला मेरे साथ है जिनसे झगड़ा हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है, झगड़ा नहीं कर रहे ना हम इनको सता रहे, कोई बात नहीं है। हर वक्त भैया बंदी से बात कर रहे हैं इनसे, बेकार बुकरी जावे। ये तो खुद ही झूठी सच्ची बुकर गए और इतना लंबा वो कर दिया इन्होंने। तो क्या बात बात झगड़ा गई है? लड़ाई कहीं बच्चों में हो गई तो बच्चों की बात इतनी बड़ी कर दी इन्होंने। मैंने बतलाया ना, इनकी लड़की किसी बच्चे ने उसके चिमटा मार दिया, वो चिमटा उससे नीचे गिर गया, उसने उस जोन से बच्चे ने उठाया वो उसके फिर मार दिया। तो क्या बच्चे छोटे छोटे देख रहे थे हुआ, तो इन्होंने हमारे बच्चों को पकड़ लिया। तो वो हमारा लड़का गया बड़ा वाला, तो वो कह रहा था कि अरे मेरे भैयों का नाम क्यों ले रहे हो, वो तो खाना खा के हैं भी आए भी नहीं है। उनने पूछा नुको तूहा नुको ना नुको तूहा नू ना, मना कर रहा है ये तो छोटे छोटे, वो इन्हें घर को ले आया। तो क्या आपके धर्म के लोग उस हिंदू परिवारों में गए थे मार पिटाई करने? ना 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 ना, हमारे तो आदमी ने अभी खाना ना खाया। हाँ, इनके वहाँ के 4-5 जने पीछे बैठे हैं हमारे, जब उसने कही ना अब्बू भाई सबको मार रहे हैं, तो इसके अब्बू तो जब जाकर बीच बिछाव करना चालू करा। मेरा फरजाना नाम है। आपके परिवार के और लड़के मर्द कहाँ हैं? वो थाने में गए, मुझे पता ना जाने कितने। एक को तो वो अभी ले गए, मिस्त्री को ले गए हमारे घर से ही वो करके। बहरहाल विशेष समुदाय के जो लोग यहाँ रहते हैं, तो इन्होंने इस तरह का
मामला बताया है, लेकिन इनका कहना यह है कि बच्चों बच्चों की लड़ाई थी जो को इतना बड़ा मामला हो गया। रवि सक्सेना, टंडूला, टांडा, रामपुर। परेशानी है रहने की, क्यों ये लोग जो दंगा फिसाद करते हैं, बिया शादी करते हैं, लड़की को शादी करते हैं, बारात आती है दंगा फिसाद करते हैं, बारात में चढ़न देते हैं, दी बेटी हमारे खेत क्यारी का काम उधर जाते हैं तो ये छेड़खानी करते हैं, यही परेशानी है। कितने मकान बिक रहे होंगे? मकान तो ये सब कुल लगा कर बिकने में ही है सब आस पास। अभी मैं वही विशेष समुदाय के पास खड़ा हूँ, उनके कुछ लोग मिले हैं, कुछ लड़के मिले हैं जिन पर आरोप है कि वो हिंदू परिवारों के साथ शोषण कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को परेशान कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद फारूक सर। फारूक, ये सब जो हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं, हिंदू लड़की को परेशान करते हैं, हिंदू अगर कोई शादी आती है बारात आती है उसको जी, 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 जी सर, ये ऐसा था, बच्चों बच्चों का मामला था, ये लड़ाई जो थी बच्चों बच्चों की लड़ाई थी, किसी ने डेला मारा बच्चे ने, मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे, जो मैंने सुना कि किसी ने बच्चे ने डेला मारा, ठीक है, किसी बच्चे के लग जाता है, दूसरे के लग जाता है, उसके मर रहे थे, आपस में खेल रहे थे, दूसरे के लग जाता है, वो आपस में लड़ाई होती, तू तू मैं होती है, वो कहती है कि तुम्हारे जो है भाई ने हमारे, इनके बड़े से शिकायत करती हैं बड़े भाई से, और वो ये कहती हैं कि तुम्हारे भाई ने जो है हमारे लड़की के जो है डेला मारा है, तो वो कहता चाची मैं समझा लूँगा उसे, जो है समझा दूँगा और जो बात होगी वो बतला दूँगा उसको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होगी और मैं उसे डांटूँगा, लेकिन ये बात जो है बढ़ाते चले जाते हैं, दूसरा आदमी आके गाली बकते हैं, गाली गलौज करते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, ये है और वो है और वैसा, तो वो जो है आपस में भिड़त हो जाती है, उसमें जो है जो भी कुछ होता है बात का, बाद में जो है पुलिस आ जाती है और हम भाग जाते हैं सब घर पे, ठीक, अपने अपने घर चले जाते हैं, और उसके बाद में जो है ये अब ये कह रहे हैं, पहले तो हमसे ये कहना, हम कह रहे हैं भाई हिंदू मुस्लिम का जब इन्होंने हमने देखा नाम लिखा हुआ कि ये घर बिकाओ, ये घर बिकाओ है, मन की ये क्या मैटर है, आज तक हम रह रहे हैं, हम अपने बचपन जब से पैदा हुए जब से हमने देखा है आपस में मेल झोल सब कुछ है बराबर है, हम इनसे मिलते हैं ये हमसे मिलते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आप हमने पूछा मन कि ये घर बिकाओ ये ऐसा क्यों लिखा आपने, तो वो कह रहे हैं नहीं, एक तरफ को ये कह देते हैं तुम्हारा कोई मैटर नहीं, जिससे हमारी लड़ाई है उससे मैटर है हमारा, एक तरफ को सब कुछ आन देते हैं ये कि यानी कि सब मुसलमान हमें जो है दबा रहे हैं सता रहे हैं, अगर कोई इनमें से हमारे सामने ये कह दे कोई वो नहीं है, गुंडागर्दी किसी की नहीं है, आपकी मौजूदगी में पुलिस की मौजूदगी में मैं हर किसी की मौजूदगी में ये बात कह सकता हूँ, अगर ये कहें किसी ने इनके जो है उस लड़ाई में किसी ने गाली बकी हो, चाट मारा हो, या इनकी तरफ से बोले हो दूसरी समुदाय की तरफ, यानी मुस्लिम उसके तरफ से बोले हो दूसरे मुसलमान कोई, तो हमसे कह दें मैं आपके साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, जैसा कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान समुदाय के लड़के हैं, युवा हैं, वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है जो हिंदू और मुसलमान का हो, बहरहाल यहाँ बच्चों बच्चों की लड़ाई थी जिसको कुछ लोगों ने ये रंग दे दिया। अब इस समय इस समुदाय से विशेष समुदाय जो मुस्लिम समुदाय कहेंगे, इनके कुछ लोग पुलिस हिरासत में हैं, वहीं हिंदू समुदाय के लोग अपने मकान बेचने की अभी भी बात कर रहे हैं।